अ पर्सन पे 10% टैक्स ऑन हिज इनकम 4 लाख फॉर द अमाउंट बिटवीन 4 लाख टू 8 लाख टैक्स पे करता है 20% फॉर द अमाउंट अबव 8 लाख ही पे 30% टैक्स इफ द टोटल टैक्स पेड बाय द पर्सन 1.8 लाख देन द फाइंड द फर्स्ट इज एवरेज फाइंड इज एवरेज परसेंटेज ऑफ टैक्स पेड कोई व्यक्ति अपनी आय 4 लाख का 10% पे कर रहा है और 4 से 8 लाख के बीच 20% पे कर रहा है और 8 लाख और उससे ऊपर 30% पे कर रहा है और कुल 1.8 लाख रुपए टैक्स पे कर चुका है तो आपको ये सॉल्व करना है बताना है टोटल उसकी इनकम कितनी रही होगी ठीक है परसेंटेज ऑफ पेड टैक्स ऑन हिज होल इनकम क्लियर है परसेंटेज बताना है पहले आप इनकम निकालोगे फिर उसके ऊपर परसेंटेज आप बताओगे क्लियर है तो देखते हैं हम यहाँ पर तो 4 लाख का जब आप 10% निकालोगे तो आपका आएगा 40,000 क्लियर है एक बार बता देती हूँ फिर देखो सिमिलर आप समझ जाना 4 लाख काम 4% कैसे निकालते हैं 4 और यहाँ अपॉन में आता है 100 2 0 से 2 0 कट गए यहाँ पर देखो 1 2 3 यानी ये कितना बचा 4 ठीक है 10% था 4% लिख दिया मैंने यहाँ पर 10% था क्लियर है तो यहाँ पर कितना आ गया 40 यानी 40,000 क्लियर है अब सिमिलर यहाँ पर क्या था नेक्स्ट पॉइंट 4 लाख से 8 लाख के बीच जो है हमारी 20% यानी कि अगर इनका डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है 4 लाख और 4 लाख का अगर हम 20% निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 80,000 क्लियर है नेक्स्ट है हमारा 8 लाख और 8 लाख से ज़्यादा तो हमें पता नहीं हमारी टोटल इनकम कितनी ज़्यादा हो सकती है तो हम उसको एक्स मान लेंगे एक्स माइनस 8 लाख और इसका हम निकालेंगे 30% क्लियर है तो यहाँ पर 3 हमारे पास स्टेटमेंट आ गई और टोटल टैक्स उसने कितना पे करा है टोटल टैक्स पे करा है 1,80,000 तो यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है चलो एक शीट ले लेते पहले अब इसे सॉल्व करते हैं इतना तो क्लियर हो गया था तो हमारे पास टोटल हमने टैक्स पे कर रखा है तो 40,000 हमने निकाल लिया था 4 लाख का 10% प्लस हमने 4 लाख और 4 लाख से 8 लाख का जो हमारा डिफरेंस था और उसका 20% था यानी 80,000 प्लस हमने निकाला था 30% किसका हमारी जो टोटल इनकम है यानी एक्स माइनस 8 लाख और हमने कितना पे करा है 1,80,000 यहाँ तक कोई डाउट ठीक है ओके तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे अगर मैं इसे ऐड करूंगी तो ये होगा 1,20,000 इसे मैं कट कर दूंगी तो या अगर हम 10 को देखो यहाँ पर 10 को अगर मैं 3 से डिवाइड करती हूँ तो कितना आता है 0 लगा देंगे फिर 10 या 30 यानी कि कितना आ गया 0.3 ठीक है तो प्लस में क्या हो गया 0.3 हो गया और एक्स माइनस 8 लाख क्लियर है 1,80,000 अगर मैं यहाँ इसको 1,20,000 0.3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.3x और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2,40,000 अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देखो 8 को सिंपल से आपको मल्टीप्लाई करना है 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 में 8 से 24 आ गया और कितने जीरो हैं यहाँ पर 5 जीरो हैं ठीक है और यहाँ पर कितने के बाद पॉइंट है 0.3 यानी 1 के बाद पॉइंट है तो अगर आप 5 जीरो लगाओगे तो उसके बाद 1 जीरो लगा दो तो ये आ जाएगा 2,40,000 क्लियर है इसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे तो कितना बचा 2,40,000 में से 1,20,000 हटाएंगे तो माइनस का 1,20,000 और प्लस में हमारे पास 0.3x है ठीक है और यहाँ पर 1,80,000 है इतना क्लियर है ठीक है अब ये यहाँ पर 1,20,000 इस साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा यानी 0.3x इक्वल टू ये इधर जाके प्लस हो गया तो कितना हो गया 3 लाख x को हम यही रखेंगे और ये 3 लाख डिवाइड बाय 0.3
पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर क्या होगा 0.1, यानी एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ मल्टीप्लाई में 10 हो जाएगा। क्लियर है? तीन को मैं कट कर दूंगी, 3 × 3, और यहाँ पर कितने जीरो थे, 5 जीरो थे और 1 6 जीरो, यानी कि एक्स बराबर कितना आ गया, 10 लाख। यहाँ तक क्लियर है? तो एक्स बराबर हमारी जो टोटल इनकम आ गई वो हमारी आ गई 10 लाख। नेक्स्ट शीट ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने 10 लाख तक तो हमने निकाल लिया, हमारे पास इनकम कितनी आ गई, टोटल इनकम हमारे पास आ गई 10 लाख। यहाँ तक क्लियर है? अब हमसे उसने पूछा परसेंटेज, और 1 लाख हमने टोटल 1,80,000 हमने कितना टैक्स पे करा था, टैक्स पे हमने कितना करा है 1,80,000, और मुझसे पूछा है उसका परसेंटेज बताओ। तो हमारे पास 1,80,000 हमने लिखेंगे यहाँ पर, और डिवाइड कर देंगे हम 10 लाख से, और क्योंकि परसेंटेज पूछा है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ कट कर दो, 1,80,000 कट गया, और यहाँ से 1, 2 ये 0 कट गए, तो यहाँ पर कितना आया 18%। तो हमने टोटल टैक्स पे कितना करा है, टोटल टैक्स जो हमारा परसेंटेज में पे है वो है हमारा 18%। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? देखो क्वेश्चन पे चलते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्लियर है, 18%। ऑप्शन नंबर 2, यहाँ देखो गिनती दोबारा हो गई, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 ये है, तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 18%, क्लियर है।